करती हूँ हमेशा मेडलिन के प्रोडक्ट्स, मेरे पास सारे ही हैं ऑलमोस्ट। सो गाइस, एक मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी श्वेता वर्मा की, आई थिंक कि वो मेडलिन ब्रांड का ट्यूटोरियल देखना चाहती हैं, जो कि मैं अपना एक सीरीज़ बना रही हूँ, आप सब जानते होंगे, वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल सीरीज़ का। ये पार्ट 5th है मेबलिन ब्रांड का, मतलब इसमें मैंने सारे प्रोडक्ट्स मेबलिन ब्रांड के यूज़ किए हैं। तो मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने वो इस बार बनाया है। वैसे तो मुझे बनाना ही था बट मैंने और जल्दी बना दिया। तो गाइस, आपको ये लुक कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ कुछ लिख दीजिएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो चलिए, बातें तो होती रहेंगी, विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। सो आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, मैंने पॉन्स का जेल मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। ये काफ़ी अच्छे से हाइड्रेट कर देता है स्किन को। मैंने PSC की कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाई हैं इन द शेड ग्रीन, और अब मैंने ली है मेबलिन की कंसीलर पैलेट, और इसमें से सबसे ज़्यादा जो लाइटर शेड है उसको मैं अपने आईलिड पर लगाकर अच्छे से इसको ब्लेंड कर दूँगी ब्यूटी ब्लेंडर से। आईब्रोज़ के लिए मैंने लिया है पैशन ब्रो डुओ शेपर, काफ़ी अच्छा होता है। इसमें एक तरफ पेंसिल होती है बहुत प्रिसाइस सी, एंड दूसरी तरफ पाउडर होता है, आपके पार्श एरिया को बहुत अच्छे से फिलअप कर देता है, मुझे काफ़ी पसंद है। मैंने अपने आईलेट्स को सेट कर लिया है विद हेल्प ऑफ पाउडर। अब मैं न्यूड पैलेट ले रही हूँ मेबलिन की, और इसका एक लाइट शेड लेकर मैं ट्रांजिशन एरिया में डाल रही हूँ उसको, फिर थोड़ा सा डार्क करते हुए ब्राउन शेड से मैं और उसको डेप्थ दूँगी थोड़ी सी। मैं आउटर कॉर्नर एंड इनर कॉर्नर दोनों तरफ ही इसको कर रही हूँ, मैं हेलो आई लुक देने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं लाइटर शेड से डार्कर शेड की तरफ में गई हूँ। मेबलिन की द सिटी मिनी पैलेट का अर्बन जंगल पैलेट लिया है, और इसमें से डार्क ग्रीन शेड को मैं इनर एंड आउटर कॉर्नर्स पे मैं इसको प्लेस कर रही हूँ ब्लेंड करते हुए। अब मैंने सेंटर पे सेम कंसीलर पैलेट से कंसीलर अप्लाई किया है होलो लुक देने के लिए, और इसमें जो शिमरी शेड है उसको मैं उसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। गाइस, जितने भी शिमरी शेड होते हैं उनको फिंगर के टिप से आप अप्लाई करेंगे तो बहुत ईजली हो जाते हैं, ब्रश से बहुत मुश्किल होता है। अब मैं हार्श लाइन ना रहे उसको ब्लेंड करने की कोशिश कर रही हूँ कॉर्नर्स पे। मैंने ड्रामा जेल लाइनर लिया है मेबलिन का, ये बहुत अच्छा होता है, मैं अपने ब्राइड्स पे भी यही यूज़ करती हूँ, काफ़ी ब्लैक होता है। इससे मैं हल्की सी मैंने विंग क्रिएट की, और मैंने फॉल्सीज भी अप्लाई कर ली हैं। अब मैंने थोड़ा सा पानी पी लिया है। अब मैंने लिया है मेबलिन का ड्रीम वन डे परफेक्ट बेस फॉर प्राइमर, और इसको अच्छे से लगाने के बाद मैंने इनका फाउंडेशन लिया है मेबलिन फिटमी का इन द शेड 230। अपने बेस को ल्यूमिनस बनाने के लिए मैं फाउंडेशन के साथ मिक्स कर रही हूँ मेबलिन की मास्टर स्ट्रोबिंग क्रीम, इससे आपका फाउंडेशन काफ़ी ड्यूई एंड ल्यूमिनस दिखता है, ड्राई नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो और फिर डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया है मैंने। अब मैंने मेबलिन का फिटमी कंसीलर लिया है, और अपने जहाँ जहाँ पे डार्कनेस है वहाँ पे लगाते हुए उसको ब्लेंड किया। अब मैं एज वाइन कंसीलर ले रही हूँ मेबलिन का इन द शेड न्यूट्रलाइज़र, और इससे मैं अपने हाइलाइटिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। मैंने अंडर आइज ब्रिज ऑफ द नोज़ सब जगह लगाकर अच्छे से ब्लेंड किया है। ये मेरा फेवरेट लूज़ पाउडर है मेबलिन फिटमी का लूज सेटिंग पाउडर, ये बहुत अच्छा होता है गाइज, आई हाईली रिकमेंड दिस पाउडर। मैं मेबलिन का लास्टिंग ड्रामा लाइट लाइनर ले रही हूँ, उसको मैंने अपने वाटर लाइन पर लगाया है। मैं लोअर लैश लाइन पर ब्लेंडिंग कर रही हूँ, स्मोकी लुक हल्का सा दे रही हूँ, जो शेड्स मैंने ऊपर यूज़ किए थे वही लोअर लैश लाइन पर यूज़ किए हैं। ये मेरा फेवरेट मस्कारा है मेबलिन का लैश सेंसेशनल, वन ऑफ माई फेवरेट मस्कारा। मैंने लिए मेबलिन मास्टर कॉन्टोर पैलेट, और इसमें से मैं कॉन्टोरिंग शेड लेकर अपने हॉल ऑफ द चीक्स जॉ लाइन और अपनी नोज़ को कॉन्टोर करूँगी, टेम्पल ऑफ माई फोरहेड नोज़ को मैं अच्छे से कॉन्टोर करूँगी, और इसी का मैं ब्लश वाला शेड भी यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा है, हल्की सी शीन है इसमें, मुझे बहुत पसंद है। हाइलाइटर के लिए मैंने लिए है मास्टर स्ट्रोबिंग स्टिक फ्रॉम मेबलिन,
और इसको मैं अपने हाई पॉइंट्स पे मैंने लगाया है। और अब मेरा बहुत फेवरेट आई हाईली रिकमेंड दिस मोल्टन गोल्ड मेबलिन का हाइलाइटर पाउडर हाइलाइटर। ये बहुत अच्छा होता है गाइस, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, आप इसको ज़रूर लीजिए। तो मैंने इसको अपने ब्रोबोन पर, ब्रिज ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज, हर जगह पे अप्लाई कर लिया है। मैं इनर कॉर्नर्स पे मेबलिन का आई स्टूडियो गोल्डन कलर का आईलाइनर है इसको मैं लगा रही हूँ। लिपस्टिक के लिए मैंने चूज़ किया है मेबलिन की मैटिंग इन द शेड पोएट, बट ये काफ़ी लाइट लग रहा है मेरे स्किन पे, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा डार्क करने के लिए। तो मैंने लिए मेबलिन की क्रीमी मैट इन द शेड मिड टाउन पिंक और मैं इसके ऊपर एक कोट इसका भी लगा रही हूँ थोड़ा सा डार्क करने के लिए। न्यूड ही चाहिए मुझे लिपस्टिक, बट वो काफ़ी लाइट लग रहा था। मेबलिन के सेटिंग स्प्रे से मैंने अपने मेकअप को सेट कर दिया। दिस इज द फाइनल लुक दैट आई हैव क्रिएटेड टुडे यूजिंग ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ मेबलिन। कैसा लगा आपको ये लुक? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स लिखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। बहुत मज़ा आया मेबलिन के प्रोडक्ट्स यूज करके ये लुक अचीव करने में, क्योंकि मेरे पास मेबलिन के ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है मेबलिन के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना। मैं अपने डेली यूज में अपने सेल्फ मेकअप के लिए ज़्यादातर मेबलिन के ही प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। लाइक लिपस्टिक तो मेरे पास बहुत सारी हैं, उनकी हर तरीके की लिपस्टिक मेरे पास है, उनकी लिप ग्रेडेशन, उनके पाउडर मैट, उनके मैट है, इनके एवरी टाइप ऑफ लिपस्टिक, उनकी क्रीमी मैट सारी मेरे पास हैं। एंड काफ़ी अच्छा लगता है मेबलिन के लिपस्टिक्स एंड प्रोडक्ट्स के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं गाइज। आप इनको ट्राई कर सकते हैं अपने पर्सनल वैनिटी में, आप इसको रख सकते हैं। कुछ चीज़ें तो मैं इनकी प्रोफेशनली भी यूज़ करती हूँ, जैसे कि स्किन का ये मोल्टन गोल्ड हाइलाइटर, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट मोस्ट फेवरेट हाइलाइटर है। हाईली रिकमेंड दिस हाइलाइटर, ये आपके वैनिटी में होना ही चाहिए, चाहे आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपके पास आप मेकअप आर्टिस्ट नहीं हैं, आप घर में ही अगर मेकअप करते हैं, आप पार्टीज में जाते हैं, तो ये हाइलाइटर बहुत अच्छा है एंड काफ़ी अफोर्डेबल भी हैं। मेबलिन के प्रोडक्ट्स काफ़ी अफोर्डेबल हैं, आपको ईजिली मिल जाते हैं नाइका, अमेजोन, पर्पल, आप किसी मॉल में जाएंगे आपके इनके स्टोर्स पे भी मिल जाते हैं, आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे मेबलिन के प्रोडक्ट्स, तो आप इजीली परचेज कर सकते हैं। एंड रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं इनके। फाउंडेशन में काफ़ी लंबी रेंज है, आप उसमें से आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। गाइज ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, मुझे कोई भी स्पॉन्सर नहीं करता है, क्योंकि मैंने अभी 1 month बैक ही स्टार्ट किया था अपना चैनल, तो अभी कोई मेरे पास स्पॉन्सरशिप नहीं आई है गाइस, मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं करता है, मैं खुद ही अपने पैसे इन्वेस्ट करती रहती हूँ। और मैंने अभी नहीं किया है मेरा, क्योंकि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मैं चीज़ें लेती रहती हूँ, तो मेरे पास अच्छा कलेक्शन है मेबलिन का, तो मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी, तो आज मैंने मेबलिन का ही सारा प्रोडक्ट्स यूज़ करके ये लोग अचीव किया। सो गाइज अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और आगे आप क्या देखना चाहते हैं, कौन से ब्रांड का मेकअप देखना चाहते हैं वो आप बताइएगा, ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो था। नेक्स्ट भी आप बताइए कौन सा ब्रांड देखना चाहते हैं, मैं ज़रूर बनाऊंगी। सो फिर चलते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लव यू ऑल, टेक केयर। देखा जब से चेहरा तेरा मैं तो हफ्तों से सोया नहीं।